हेलो एवरीबडी, वेलकम टू जेके एग्जाम ट्रैकर। स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ तान्या। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में, आज के सेशन में, वी आर गोइंग टू डू सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन कंप्यूटर अवेयरनेस व्हिच आर यूजफुल फॉर ऑल द अपकमिंग एग्जाम्स जिसमें कंप्यूटर सेक्शन आने वाला है, बिकॉज ये रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुआ है हेल्थ मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में, उसमें ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आज के सेशन में इन टोटल 15 क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। ऑल दीज आर वेरी हेल्पफुल एंड विद एक्सप्लेनेशन मैं आपको ये क्वेश्चंस करवाऊंगी, बिकॉज बहुत से स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन था, उनका ये हम कह सकते हैं कि एक तरह का उनका कहना था कि ये क्वेश्चंस नहीं पढ़े हैं, ये आउट ऑफ द सिलेबस थे, आउट ऑफ द कंसेप्ट हमें पूछे गए थे। तो ऐसा कुछ नहीं है, सभी क्वेश्चंस आपको कंसेप्ट्स में से ही आए थे। हाँ, ऐसा हो सकता है कि वो टर्मिनोलॉजीज आपने ना सुनी हो, बिकॉज थोड़ा सा हाई लेवल था क्वेश्चन पेपर का, आई कैन से दैट। तो ये सभी चीज़ें कौन से टॉपिक से बिलोंग करती हैं, क्या कंसेप्ट्स हैं, मैं ऑल एक्सप्लेनेशन आपको आज के सेशन में दूंगी। एंड स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिली भी होगी दैट हमारे ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। दीज आर द न्यू बैचेस जो जेके एस एस बी एग्ज़ाम के लिए एंड जेके पी सब इंस्पेक्टर, जे एंड के पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम के लिए हो रहे हैं, ठीक है। प्रॉपर क्लासेस होने वाली हैं, कोविड कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए ये क्लासेस हो रही हैं। कॉन्टैक्ट नंबर इज़ गिवन हियर, आप लोग इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए रिगार्डिंग टीचर्स, रिगार्डिंग क्लास टाइमिंग्स, एनी थिंग, जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, दिस इज़ द एड्रेस ऑफ आवर इंस्टीट्यूट। आप लोग यहाँ पर भी विजिट कर सकते हैं, या फिर अगर आप कॉल करना चाहते हैं आप लोग कॉल भी कर सकते हैं। ऑल द डिटेल्स विल बी गिवन यू ऑन कॉल। तो आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ ज्वाइन कीजिए, ठीक है। चलिए चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। इट कैन बी क्लियरली सीन दैट हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से। आप सभी स्टूडेंट्स ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ा ही होगा, राइट। सो ये है आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है, द क्लियर फॉर्मेटिंग बटन इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग टैब्स। इनमें से कौन से टैब में क्लियर फॉर्मेटिंग बटन होता है, व्यू टैब में, होम टैब में, इंसर्ट टैब में, या फिर पेज लेआउट में। तो स्टूडेंट्स, क्लियर फॉर्मेटिंग टैब हमारा होता है होम टैब में, ठीक है। ये आपका होम टैब है, यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हो, यहाँ पे आपके पास वेरियस टैब्स होते हैं लाइक होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू। यहाँ पर होम टैब में आपको मिलता है फॉर्मेटिंग बटन, ठीक है, जहाँ से आप टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हो। जो भी आपने टेक्स्ट दिया है उसमें चेंजेस लग सकते हो, लाइक फॉन्ट स्टाइल, उसका अलाइनमेंट, उसका फॉन्ट साइज, बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, ये सब चीज़ें आप लोग यहाँ से कर सकते हो, राइट। सो ये कहाँ पर होता है हमारा, होम टैब में। सो ऑप्शन बी इज द आंसर टू द क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, ईच एनआईसी हैज अ डैश एड्रेस व्हिच हेल्प्स इन यूनिकली आइडेंटिफाई कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क। सबसे पहले तो पता होना चाहिए एनआईसी क्या होता है। एनआईसी का फुल फॉर्म होता है स्टूडेंट्स, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। कई बुक्स में या ऑनलाइन कई जगह पर आप इसे नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर के नाम से भी पढ़ोगे, ठीक है। तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इज़ द एक्चुअल फुल फॉर्म, बट कई जगह पर नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर भी लिखा है। अब इसका होता क्या है, ये होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है, जो हमारे मदरबोर्ड पर इंसर्ट करते हैं। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का काम क्या होता है, इसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं, वैसे आप वो भी नाम लिख लीजिए, इसको हम नेटवर्क अडैप्टर भी कहते हैं, ठीक है। सो इसका काम क्या होता है, ये हमारे कंप्यूटर की मदद करता है ताकि वो नेटवर्क से कनेक्ट हो पाए, इंटरनेट से कनेक्ट हो पाए, या किसी भी नेटवर्क से कनेक्ट हो पाए। विदाउट एनआईसी, विदाउट नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, आपका कंप्यूटर एक नेटवर्क से कनेक्ट नहीं हो सकता, आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हो सकता अगर उसमें एनआईसी नहीं है तो। अब ये कनेक्ट करता है वाया नेटवर्क, केबल्स की हेल्प से भी करता है, या फिर वायरलेसली, मतलब केबल्स के बिना भी ये कंप्यूटर को हेल्प करता है कि वो नेटवर्क से कनेक्ट कर पाए, ठीक है। और इसका क्या काम होता है, इसके साथ एसोसिएटेड होता है मैक एड्रेस, ठीक है। मैक एड्रेस आप लोगों ने नाम सुना होगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपका आईपी एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस का क्या काम होता है कि वो जितने भी डिवाइसेस एक नेटवर्क पे कनेक्टेड है उन्हें यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, राइट। तो सिमिलर होता है मैक एड्रेस। दोनों में मेजर डिफरेंस ये होता है कि आईपी एड्रेस जो है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, बट मैक एड्रेस डिवाइसेस का चेंज नहीं होता, वो वही रहता है, ठीक है। तो एनआईसी काम करता है मैक एड्रेस के साथ, और एजेंसी किस लिए यूज़ होता है, हमारे कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए। क्लियर हो गया सबको।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बेसिस पे ये क्वेश्चन है. पूछा गया है विच इनपुट डिवाइस इज यूज्ड बाय आर्किटेक्ट्स इंजीनियर्स इन कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन. कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन आपको पता है, कई बार इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है CAD. CAD का फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन. ठीक है, फॉर डिजाइनिंग बिल्डिंग्स कार्स रोबोट्स. तो बेसिकली क्या बोला गया है, डिज़ाइनिंग पर्पस के लिए या फिर कोई भी हमें मॉडल बनाना होता है. फॉर एग्जांपल आपको कोई बिल्डिंग बनानी है, आपको कोई कार बनानी है, आपको कोई रोबोट बनाना है, कोई भी मशीन, ऑब्वियसली आप उसका एक ग्राफिक स्ट्रक्चर पहले बनाओगे. जब बिल्डिंग बनानी होती है तो पहले उसका नक्शा बनाया जाता है ना, मतलब उसका एक मैप तरीके का बनाया जाता है कि वो कैसे कैसे उसका स्ट्रक्चर बनेगा. तो जब आपको रोबोट्स बनाने हैं तो ऑब्वियसली आपको कोई भी मशीन बनानी है तो उसका पहले डिज़ाइन तैयार होता है, कंप्यूटर पे तैयार होता है. तो वो डिज़ाइन बनाने के लिए कौन से डिजिटल डिवाइस का यूज़ होता है, तो ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ी है. उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं डिजिटाइजर्स. ठीक है, उसके लिए हम लोग करते हैं डिजिटाइजर्स का यूज, जिन्हें हम लोग ग्राफिक टैबलेट्स भी कहते हैं. और इनका यूज़ क्या होता है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए. आप लोगों ने अक्सर मूवीज़ में भी देखा होगा, वैसे भी देखा होगा कि कंप्यूटर पर डिज़ाइन तैयार किया जाता है, तो उसके लिए ही डिजिटाइजर्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं. बाकी ट्रैक बॉल्स, MCR, जॉयस्टिक्स, ये सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स टू ब्राउज रिसोर्सेज बाय लुकिंग एट द मेन्यूज ऑफ मटेरियल अवेलेबल ऑन द इंटरनेट. इसके लिए हमारे पास ऑप्शंस हैं डायल अप, गूफर, यूजनेट, टेलनेट. तो पहले मैं आपको आंसर बता देती हूँ, योर करेक्ट आंसर इज गूफर. ठीक है, ये आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है. अब ये गूफर क्या काम करता है, ठीक है, ये एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल भी है, इसे हम लोग अक्सर गूफर प्रोटोकॉल के नाम से भी जानते हैं. क्या है ये, एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो क्या करता है, ओवर अ नेटवर्क, जब भी आप कुछ ब्राउज कर रहे हो तो ओवर अ नेटवर्क किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट को, इंफॉर्मेशन को आपको रिट्रीव करना है, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको सर्च करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये उसके लिए यूज़ होता है. ठीक है, रिसोर्सेज को ब्राउज करने में, ओवर अ नेटवर्क जब आप कोई चीज़ ढूंढते हो नेट पे तो उसके लिए ये यूज़ होता है. ये बिल्कुल किसकी तरह काम करता है, जैसे आप आज HTTP की बात करते हो, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. क्या काम होता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का, जब आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हो तो आपके जो भी इंफॉर्मेशन आप इंटरनेट पे एक्सेस कर रहे हो उसका एक्सेस आपको हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल प्रोवाइड करता है. राइट, तो इससे पहले हम कह सकते हैं जब HTTP आया, इससे पहले गूफर प्रोटोकॉल का यूज़ होता था जस्ट टू एक्सेस इंफॉर्मेशन मटेरियल अवेलेबल ओवर इंटरनेट. क्लियर हो गया. उसके बाद हमारे पास ये दो टर्म्स भी हैं, यूजनेट एंड टेलनेट. इनके बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ, अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं. यूजनेट का फुल फॉर्म होता है यूजर्स नेट. क्या फुल फॉर्म होता है यूजनेट का, यूजर्स नेट. अब यूजर्स नेट का क्या काम होता है, देखिए क्या है, अभी के टाइम पे तो हमारे पास जैसे व्हाट्सएप है और कम्युनिकेशन के मोड्स हैं हमारे पास, जिससे हम ऑनलाइन कम्युनिकेशन कर सकते हैं, डेटा डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, फाइल शेयरिंग कर सकते हैं. जैसे हमारे व्हाट्सएप पे ग्रुप्स होते हैं जहाँ पर हम किसी भी टॉपिक पे डिस्कशन कर सकते हैं. जैसे आप लोगों ने कोई पॉलिटिकल ग्रुप ज्वाइन किया हो जहाँ पर सारी पॉलिटिकल न्यूज़ आती है, आप लोगों ने कोई करंट अफेयर का ग्रुप ज्वाइन किया होगा जहाँ पर सिर्फ उसी आइडिया से रिलेटेड, उसी टॉपिक से रिलेटेड न्यूज़ आते हैं, आपने फैमिली ग्रुप ज्वाइन किया होगा जहाँ पर फैमिली इंफॉर्मेशन आपको मिलते हैं या फैमिली की हैपनिंग्स आपको पता चल रही हैं, इस तरह के जो ग्रुप्स होते हैं. तो यूजनेट पे क्या है, ये एक ऐसा नेटवर्क था पहले के टाइम पे, इसका यूज़ होता था, जो ओवर नेटवर्क वर्ल्ड वाइड डिस्कशन करने के लिए यूज़ किया जाता था. इधर भी, यहाँ पर भी, इस तरह के नेटवर्क पर भी बहुत सारे ग्रुप्स होते थे. ठीक है, और जो भी मैं कह सकते हैं कि जो आपके रिलेटेड इंफॉर्मेशन है या जिस तरह की न्यूज़ में आप इंटरेस्टेड, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप उन ग्रुप्स में डिस्कशन कर सकते थे, फाइल शेयरिंग कर सकते थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अभी व्हाट्सएप ग्रुप्स में करते हो. ठीक है, तो इसे हम कहते हैं यूजर्स नेटवर्क, यूजनेट. क्लियर हो गया. किसके लिए, अगेन ओवर अ नेटवर्क कम्युनिकेशन पर्पस के लिए ही यूज होता था. ठीक है, अभी नेक्स्ट टर्म आती है हमारे पास टेलनेट. टेलनेट का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, इट इज टेली टाइप नेटवर्क प्रोटोकॉल. टेल मीन्स टेली टाइप, नेट मीन्स नेटवर्क. ठीक है, ये भी एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है. अब टेलनेट का क्या काम होता है, एक नेटवर्क में जब आप कनेक्टेड हो और आप किसी ऐसे कंप्यूटर को, किसी और कंप्यूटर को
एक्सेस करना चाहते हो, मतलब ये आपका कंप्यूटर है, ठीक है, जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, आपका पीसी डेस्कटॉप, और आप ओवर अ नेटवर्क किसी और कंप्यूटर को, जिसे हम लोग रिमोट कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है, ओवर अ नेटवर्क ऐसी इंफॉर्मेशन एक्सेस करना चाहते हो जो किसी और कंप्यूटर में है, या किसी और कंप्यूटर को एक्सेस करना चाहते हैं. बेसिकली इस तरह के प्रोटोकॉल्स का यूज़ एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए होता है, जनरली हम ये चीज़ें यूज़ नहीं करते. तो किसी और रिमोट कंप्यूटर को, रिमोट कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर कनेक्टेड ओवर एन नेटवर्क, ठीक है, तो किसी और कंप्यूटर को आप कनेक्ट करना चाहते हो, उसे एक्सेस करना चाहते हो, तो उस वक्त आप इस प्रोटोकॉल का यूज़ करते हो. इसे टेलनेट को हम एक और नाम से जानते हैं. इसके वर्किंग के अकॉर्डिंग, जो ये काम करता है, इसी उसी के अकॉर्डिंग हम इसे रिमोट एक्सेस प्रोटोकॉल भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये नेटवर्क पे रिमोट कंप्यूटर को कनेक्ट करने में काम आता है. समझ गए आप लोग बात? अब होता क्या है, आपको फॉर एग्जाम्पल ये आपका कंप्यूटर है, ठीक है, यूज़र वन, और ये एक रिमोट कंप्यूटर है R1, आपको इससे कनेक्ट करना है यूजिंग टेलनेट. तो उसके लिए क्या होना चाहिए, एक प्रोग्राम, ठीक है, एक टेलनेट क्लाइंट, आप हो गए टेलनेट क्लाइंट, क्योंकि आपको कनेक्ट करना है, तो आपके फ़ोन, आपके पास टेलनेट क्लाइंट प्रोग्राम सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में होना चाहिए, और जिस कंप्यूटर को आपको एक्सेस करना है उसमें टेलनेट सर्वर प्रोग्राम होना चाहिए, ठीक है, और यूजिंग एक आईडी पासवर्ड को यूज़ करके, मतलब इसको एक्सेस करने के लिए एक आईडी पासवर्ड लगेगा, उसको यूज़ करके आप ये सिस्टम को कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, ये काम होता है टेलनेट का. तो समझ में आ गया वूफर क्या है, यूजनेट क्या है, टेलनेट क्या है, ऑल दीज टर्म्स आर इम्पोर्टेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अभी. विच ग्रुप हैज़ एन ऑप्शन टू चेंज द पेज कलर ऑफ द डॉक्यूमेंट. अब जब डॉक्यूमेंट की बात आई, मतलब किसकी बात आई, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब आपको पेज का कलर चेंज करना होता है तो आप कैसे करते हैं. अगेन हम लोग चलते हैं, देखते हैं एक बार, जैसे हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का विंडो होता है, हमारे पास एक यहाँ पर ऑप्शन होता है पेज लेआउट का, जैसे होम होता है, इंसर्ट होता है, वैसे ही हमारे पास क्या ऑप्शन होता है, पेज लेआउट का. पेज लेआउट टैब में हमको जो भी पेज में ऑल्टरेशंस करनी होती हैं, फॉर एग्जांपल आपको उसका मार्जिन चेंज करना है, आपको उसका कलर चेंज करना है, आपको कुछ भी पेज ओरिएंटेशन चेंज करना है, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, कुछ भी करना है, आप लोग यहाँ से करते हैं, पेज में जो चेंजेस करने होते हैं डॉक्यूमेंट के पेज में, ठीक है. तो जब आपको पेज का कलर चेंज करना है तो आप कहाँ से जाएंगे, पेज बैकग्राउंड, मतलब आपको पेज बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, ऑप्शन सी, यहीं पर आपको ऑप्शन मिलता है पेज कलर, जहाँ से आप लोग पेज का कलर चेंज कर सकते हो. क्लियर टू एवरीबडी? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. डैश ऑप्शन शोज पैराग्राफ मार्क्स, नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स, हिडन फॉर्मेटिंग सिंबल्स. हाँ, अब ये ऐसा क्वेश्चन हो सकता है जो आपको ना पता हो. पूछा क्या गया है, कौन सा ऑप्शन है जो ये सारी चीज़ें शो करता है, पैराग्राफ मार्क्स शो करता है, नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स या हिडन फॉर्मेटिंग टूल्स जो होते हैं, जो एक्चुअल में हमें माइक्रोसॉफ्ट की विंडो में नहीं दिखते हैं, वो हमें कहाँ से दिखते हैं. तो इसके लिए मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट के इंटरफेस पे लेके जाती हूँ, सो दैट मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ. ये है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंटरफेस. अब देखिए ये वाले फॉर्मेटिंग ऑप्शंस हमारे पास आ रहे हैं, बोल्ड, इटैलिक, लेकिन देयर आर मेनी अदर फॉर्मेटिंग ऑप्शंस जो हमें नहीं दिखते. तो बहुत सारे नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स जो हमें नहीं दिखते, तो वो सब चीज़ें हम कहाँ से देख सकते हैं. देखिए आपको यहाँ जाना होता है फाइल मेन्यू पे, ठीक है, ये जो ऑफिस बटन होता है आपका, इसे हम ऑफिस बटन कहते हैं. आप ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखता है वर्ड ऑप्शंस. जब आप वर्ड ऑप्शंस पे जाएंगे तो डिस्प्ले में जाएंगे, ठीक है. अब डिस्प्ले में देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहे हैं, कितने सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, पैराग्राफ मार्क्स, हिडन टेक्स्ट, स्पेसेस, ऑब्जेक्ट एंकर्स, शो ऑल फॉर्मेटिंग मार्क्स. ये जो फॉर्मेटिंग मार्क्स हैं, ये सब हमें कहाँ पर दिखता है, इधर दिखता है डिस्प्ले में जाकर. अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है हमारा ये, क्वेश्चन में पूछा गया कौन सा ऑप्शन शो करता है ये. अब देखिए जैसे मैंने बोला डिस्प्ले में जाके आपको दिखेगा ये सब, बट यहाँ पर तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है. अब जब आपने यहाँ देखा कि आपके पास पैराग्राफ मार्क्स है, एक बॉक्स सा बना था, टिक बटन जिसे आप कह सकते हो, नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर था, फॉर्म ऑल फॉर्मेटिंग टूल्स का ऑप्शन आपको वहाँ पर दिखा, तो यहाँ से आप इसे शो या हाइड कर सकते हो. क्लिक करोगे तो ये दिखेगा, क्लिक नहीं करोगे तो ये आपको नहीं दिखेगा, ठीक है. तो आपका जो एक्चुअल इंटरफेस होता है, ये सब चीज़ें कब दिखती हैं, जब आप उसे डिस्प्ले में जाके शो या हाइड करते हैं. शो करोगे तो ये सारे ऑप्शंस आपको दिखेंगे, हाइड करोगे तो ये नहीं दिखेंगे. तो कौन सा ऑप्शन करता है शो और हाइड,
इससे आप इन सब ऑप्शंस को शो कर सकते हो, हाइड कर सकते हो. क्लियर टू एवरीबडी? ऑप्शन डी इज योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. विच प्रोटोकॉल इज यूज फॉर रिमोट लॉग इन ओवर अ TCP/IP कनेक्शन? तो रिमोट कंप्यूटर लॉग इन के लिए मैंने आपको अभी बताया कौन सा है, टेलनेट प्रोटोकॉल. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. ये किस पे वर्क करता है प्रोटोकॉल? ओवर अ TCP/IP कनेक्शन. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन 8. डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम विच सपोर्ट्स सिंगल यूजर प्रोसेस एंड सिंगल थ्रेड. अब सिंगल यूजर प्रोसेस या सिंगल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है. ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में हम पढ़ भी चुके हैं, राइट? मैंने आपको बताया था सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम. क्लियरली आपका आंसर यहाँ से निकल जाना चाहिए, ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ. विच ऑफ द फॉलोइंग टूल मेन्यू इज यूज टू व्यू द रिजल्ट्स ऑफ व्हाट इफ एनालिसिस इन एक्सेल? पहले चीज तो ये होनी चाहिए कि व्हाट इफ एनालिसिस एक्सेल में क्या होता है. ठीक है, तो जब आपके पास एक्सेल आप यूज कर रहे हो तो आपके पास टैब्स होते हैं, लाइक होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, इस तरह के टैब्स होते हैं. उसी तरीके से आपको वहाँ पर एक और टैब दिखता है, डेटा टैब. डेटा टैब में यहाँ कहीं आकर आपको एक और ऑप्शन दिखता है जिसे हम बोलते हैं व्हाट इफ एनालिसिस. अब ये व्हाट इफ एनालिसिस क्या होता है? आपको कोई भी डेटा मेंटेन करना है, फॉर एग्जांपल आपको किसी चीज़ का बजट बनाना है. ठीक है, आप कोई प्रोजेक्ट सेल कर रहे हो तो आपको उसको प्रोजेक्ट का अपना टारगेट, या आप किसी कंपनी में काम करते हो, आपका मंथली टारगेट ये है, इतनी चीज़ें आपको सेल करनी है और इतना आपका टारगेट है, मतलब इतनी अमाउंट आपको कंपनी को प्रॉफिट देनी है. तो ये सब चीज़ें जब आप करते हो, आप एक्सेल बनाते हो, जो भी बजट बना रहे हो, कुछ भी आप अपना मेंटेन कर रहे हो, तो जब आपको कन्फ्यूजन्स हो, कन्फ्यूजन्स एज इन कि अगर मैं इतनी चीज़ें सेल करता हूँ, फॉर एग्जांपल मेरा टारगेट है 1000 कॉपीज सेल करने का. ठीक है, तो अगर मैं 2000 कॉपीज सेल करता हूँ तो मुझे कितना प्रॉफिट मिलेगा? अगर मैं 1500 कॉपीज सेल करता हूँ तो मेरे को कितना प्रॉफिट होगा? अगर मैं 500 करता हूँ मुझे क्या लॉस रहेगा? मतलब कि व्हाट इफ़ का मतलब, अगर ऐसा होगा तो मेरे बजट में क्या चेंज आएगा, मेरे टारगेट में क्या चेंज आएगा, उसी को हम लोग बोलते हैं व्हाट इफ एनालिसिस. ठीक है, और इसी में हमारे पास 3 ऑप्शंस आते हैं एज पर आवर नीड, जैसे सिनेरियो मैनेजर, गोल सीक एंड डेटा टेबल. ये 3 ऑप्शंस हमारे पास आते हैं. कई बार ये भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि व्हाट इफ एनालिसिस में हमारे पास क्या ऑप्शंस, कितने ऑप्शंस होते हैं? 3 होते हैं, सिनेरियो, गोल सीक एंड डेटा टेबल. मैंने आपको बता दिया यहाँ पे आपको कैसे जाना है. अब क्वेश्चन हमारा क्या है? फॉलोइंग टूल मेन्यू इज यूज टू विद द रिजल्ट ऑफ व्हाट इफ एनालिसिस. आपको जब इसका रिजल्ट देखना है, कोई भी आपने एनालिसिस किया कि अगर ऐसा चेंज करूंगा तो क्या होगा, कोई भी सिनेरियो आप लगाते हो कि मेरे को इतना बजट है, अगर मैं अपने बजट में इतना चेंज करूंगा तो क्या रिजल्ट आएगा, तो वो रिजल्ट आपको किस में दिखता है, कैसे आप देखते हो? ये सिनेरियो मैनेजर से, सिनेरियोज. ठीक है, गोल सीक का मतलब क्या होता है? गोल सीक का मतलब कि आपको अपने गोल में कुछ चेंजेस करनी है. आपका टारगेट इतना है और आपका टारगेट है 2000, लेकिन आपने बनाया है 1000 तक का भी, तो आपको 2000 तक पहुंचने के लिए कितनी और चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब कितना और बेचने की ज़रूरत पड़ेगी या कितना और काम करने की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब गोल तक पहुंचने के लिए, उसके लिए आप गोल सीक यूज़ करते हो. ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये सारी चीज़ें होती हैं व्हाट इफ़ एनालिसिस में. व्हाट इफ़ एनालिसिस, जैसे मैंने बता दिया, आप अपने जो भी आपने एक्सेल शीट बनाई है उसमें कुछ चेंजेस करनी है तो वो उसका रिजल्ट क्या होगा वो आपको दिखाता है. ऑप्शन डी इज़ द आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 10. iOS ऑपरेटिंग सिस्टम. iOS इज मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसका फुल फॉर्म क्या है? आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, इट वॉज इन्वेंटेड इन विच ईयर? तो आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम इन्वेंट किया गया है 2007 में, 2007 में. ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ अ क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम? टाइम शेयरिंग, मल्टी यूज़र, डेस्कटॉप और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम. तो पहले तो करेक्ट आंसर देखते हैं. क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है हमारा? डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर. अब ये डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या? देखिए, जब आप अपना स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, या फिर अपना डेस्कटॉप, लैपटॉप कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्या है? आप ही के यूजेज के लिए है, सिंगल यूज़र पर्पज़ के लिए बनाया गया है ना, आप लोग उसे यूज़ कर रहे हैं. तो
ये इनका काम क्या होता है, इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम्स का जो आपके डेस्कटॉप्स में, आपके स्मार्टफोन्स में होते हैं, जो क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम, डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है, इनका काम क्या होता है, आपके रेगुलर टास्क को ऑटोमेटेड करना, ठीक है। जो आपके रेगुलर टास्क हैं, फॉर एग्जांपल आपको कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, ठीक है, आपका कोई भी टास्क जो आप रेगुलर बेसिस पे करते हैं, डेटा मैनेजमेंट करना है या कुछ भी करना है, तो वो रेगुलर टास्क को ऑटोमेट करने के लिए इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम्स का यूज़ होता है। इसी तरीके आप अपने नॉर्मल फ़ोन कॉल्स के लिए आप अपने मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हो, लैपटॉप का यूज़ किस लिए करते हो, नॉर्मल रेगुलर टास्क के लिए, या तो कोई मूवी वॉच कर लोगे, अपना डॉक्यूमेंट बना लोगे, पीपीटी बना लोगे, है ना, इसी चीज़ों के लिए करते हो। दीज आर योर रेगुलर टास्क जिनके लिए ये डेस्कटॉप स्मार्ट बनाए गए हैं, है ना। तो और वैसे भी इन टास्क के लिए इन्हें किसी नेटवर्क से कनेक्ट होने की ज़रूरत नहीं होती जनरली, ठीक है। आमतौर पर देखा जाए, फॉर एग्जांपल आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हो, आपको टाइपिंग करना है, नोट पैड पर कुछ टाइप कर रहे हो, तो उसके लिए जनरली वो काम करने के लिए आपको नेटवर्क से कनेक्ट होने की ज़रूरत नहीं होती है। तो जो रेगुलर टास्क के लिए होते हैं वही होते हैं हमारे डेस्कटॉप्स एंड ऑल, और उन पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है, जो नॉर्मल टास्क के लिए होता है, वही है डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे हम क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं, जो हमारी रेगुलर नीड्स के लिए है, ठीक है। और ये सिंगल यूज़र को सपोर्ट करता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है प्रिंटर्स, मॉनिटर्स और जो भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं आपके सिस्टम में, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। वेयर इज़ द अनडू बटन प्रेजेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? आपने पढ़ा है क्विक एक्सेस टूल बार के बारे में, QAT। अब क्विक एक्सेस टूल बार में आपके पास एक SS ऑप्शन होता है, इस तरह का सिंबल होता है रिवर्स का, है ना। ये क्या होता है, ये अनडू का सिंबल होता है। तो कहाँ पर प्रेजेंट होता है ये बटन? क्विक एक्सेस टूल बार में। नेक्स्ट, व्हेन यू प्रेस Ctrl 9 इन एक्सेल, विच एक्टिविटीज विल बी परफॉर्म्ड? Ctrl+9, जब हम Ctrl 9 दबाते हैं तो क्या होता है, Ctrl 9 हेल्प करता है हमारी सिलेक्टेड रो को हाइड करने में, ठीक है। और अगर आपको हाइड करना है किसी एक सिलेक्टेड कॉलम को हाइड करना है, तो आप दबाते हो Ctrl 0। ये दोनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, बहुत बार एग्जाम में आते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट, हॉटमेल इज वेब बेस्ड ईमेल सर्विस डेवलप्ड बाय? हॉटमेल किसने डेवलप किया है? ये ईमेल सर्विस है, ईमेल क्लाइंट है, किसने डेवलप किया है? माइक्रोसॉफ्ट में। क्लियर टू एवरीबडी? इसके फाउंडर कौन है? सबीर भाटिया, ठीक है। एक्चुअली ही इज को फाउंडर। सबीर भाटिया ने जैक स्मिथ के साथ मिलकर हॉटमेल डेवलप किया है, ठीक है। सबीर भाटिया इज एन इंडियन और ये को फाउंडर है इसके, हॉटमेल के। जनरली हमें इन्हीं के बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। हु इज़ द फाउंडर ऑफ हॉटमेल? तो हमारे पास जैक स्मिथ ऑप्शन में नहीं है, सबीर भाटिया है, तो वही आपका आंसर है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। बोला क्या गया है, दो स्टेटमेंट्स है स्टूडेंट्स हमारे पास, और हमें बतानी है दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं, या कोई एक कोई सही गलत है। तो पहला क्या है, यूनिक्स इज एन एग्जांपल ऑफ सिंपल स्ट्रक्चर ऑपरेटिंग सिस्टम। ये तो यहीं से गलत है। यूनिक्स क्या है? एक मल्टी यूजर मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। इट इज़ नॉट अ सिंगल स्ट्रक्चर सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, इट इज़ मल्टी यूजर मल्टी टास्किंग कॉम्प्लेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत हो गया। सेकेंड देखते हैं, द फर्स्ट वर्जन ऑफ विंडोज NT इज एग्जाम्पल फॉर 32-bit ऑपरेटिंग सिस्टम। बिल्कुल, विंडोज NT का जो फर्स्ट वर्जन है, द वेरी फर्स्ट वर्जन, वो 32-bit वर्जन है, ठीक है। सो इसीलिए स्टेटमेंट बी जो है हमारी सही है। तो अकॉर्डिंगली करेक्ट आंसर क्या आएगा, स्टेटमेंट ए इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट बी इज ट्रू, ऑप्शन डी इज द आंसर। ऑल राइट स्टूडेंट्स, विद दिस हमारा ये लेक्चर खत्म होता है, नेक्स्ट क्वेश्चंस भी हम लोग जल्दी करेंगे। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।